तो आज विकी भाई आपको बताएंगे कि रोपाई की शुरुआत कैसे होती है। बीज बोया जाता है ना खेतों में, इतना बड़ा होता है जब पौधा, फिर उसको उपाड़ते हैं, खाली करते हैं पूरे खेत को, हाँ। फिर उसमें हल लगाया जाता है, फिर पानी छोड़ा जाता है, फिर उसके बाद फिर हल लगाया जाता है, फिर अच्छा प्लेन किया जाता है पूरे खेत को, फिर एक एक पौधा उखाड़ कर लगाया जाता है उसको। रोपाई के दौरान नहर में इस तरीके की मछलियाँ भी आ जाती है, ये मछली चल रहे पहनाल दे खाली तरसावना उसको। तो दौड़े आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 10 बजे से हो रही है और अभी फिलहाल हम पहुंचने वाले हैं मालकोट। ये पुल क्रॉस कर रहे हैं और पीछे आप रामगंगा का रौद्र रूप देखिए, आप बहुत ही भयंकर वाली बरसात है। ये देखो यहाँ देखिए आप पीछे, पूरा भयंकर वाली है। मतलब अब ये है कि कुछ दिनों तक नदी में स्नान करना बंद हो जाएगा क्योंकि गंदा पानी आ रहा है। पानी ज़्यादा है उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पानी गंदा हो गया है तो वो समस्या है। बाकी अभी थोड़ा सा काम है, बाज़ार जा रहे हैं और मालकोट में रोपाई भी हो रही है, तो अगर समय लगा तो अभी आपको रोपाई के कुछ दृश्य भी दिखाएंगे हम। चलिए करते हैं अपनी यात्रा यहाँ से प्रारंभ। तो दगड़ियों चलो चलते हैं मालकोट से और आगे जहाँ सारी है वहाँ पे रुक के दिखाएंगे आपको रोपणिया के कुछ दृश्य। गेट कम लगा जेल, ये देखो यहाँ ये रोपाई चल रही है यहाँ नीचे। आते हैं थोड़ी देर निकाले अभी। ओहो जे निकाले गाड़ी कहाँ पे लगाई जाए, रोपाई कहाँ चल रही है। कम लगाई जाए गेट, गाड़ी उधर यहीं पे दबा दूँ। यहाँ पे दबा दूँ, जाओ भगवान परमेश्वरी बीज है। तो दगड़ियो ये देखो रोपाई के लिए नहर से पानी जाता हुआ, ड्रोन डाला जाए अपने बैग पीछे। ये देखो ये हो रही है रोपाई, ये कल की हो गई है पूरी, और उस साइड कुछ लगा रहे हैं अभी तो नहीं जा रहे हैं। बचने लगे भाई वेरी गुड, तो इस खेत में लगेगी रोपाई। तो आज विकी भाई आपको बताएंगे कि रोपाई की शुरुआत कैसे होती है, बताओ भाई। शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में सबसे पहले बीज की रोपाई किया जाता है। कि में बीज बोया जाता है ना खेतों में, हाँ। फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा बड़े होने के बाद देख लो कितने बड़े, हाँ। इतना बड़ा होता है जब पेड़ पौधा, फिर उसको उपाड़ते हैं, फिर वो देख उधर लगा खाली करते हैं पूरे खेत को, हाँ। फिर उसमें हल लगाया जाता है, फिर पानी छोड़ा जाता है, फिर उसके बाद फिर हल लगाया जाता है और फिर रोपाई, फिर अच्छा प्लेन किया जाता है पूरे खेत को, फिर एक एक पौधा उखाड़ कर लगाया जाता है उसको, ठीक है। हो गया रोपाई, ये देखिए फिर हमको हो जाना, ऐसा हो जाता है। देखिए दोस्तों अभी अभी आए हैं हम और हमको चाय पीने का वो आ गया, न्योता 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 आ गया। रोपाई तो लगाई नहीं हमने, मगर चाय का न्योता हमको पहले आ गया। आयु की पहले यानी क्या खोला, पहले इसका पूरा उखाड़ा गया बीज को, ये देखिए उधर ये रखिए, ये इनके धरे हैं, फिर इसमें हल लगाया गया, फिर पानी छोड़ दिया गया इधर, उसके बाद फिर इसको दोबारा से हल लगाया जाएगा, प्लेन किया जाएगा। तू गिर रहे हैं तो तू जे हिसाब जान अभी ना, तू तेल जो जान कि तू तू ये कम पड़ा जान से होगी तीन सजा दी खुड़ पप्पो सब लोग राम राम के हूँ राम राम भाई राम राम। और साहब ठीक ठाक ठीक ठाक स्वास्थ्य पे तुम भी पहुंची
सब देखो तो नाश्ता पानी करो। नमस्ते 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 सिमेन ठीक ठाक ऊपर तुम नाश्ता हुआ हुने अरे दो फिर डैडी ना बैठे बैठे सर बैठे बैठे सर नमस्ते बाबू नमस्ते सब बढ़िया अरे बेई बीमार हुआ अरे बेई बीमार हुआ वो नहीं ये हुआ बीमार भी अबे दवाई नहीं जाने दे रहे हैं यही बीमार हुआ बेई आंट के मूल बुखार आ रहा है परसी भीज नहीं हूँ परसी जान को भीज छके थोड़ा लेट कर याद ही दिन हो रहे हैं बस हैं अब भुआतान हो जाने से कंप्लेंट या तो पार आ पर छोलो मस्त रखने लगा पार ना ये तो ए तो लो भिंगरी ओ बहुत कम भिंगरी लो ए तो या पेड़ी कर रहा ना गड़बड़ पेड़ी भी गड़बड़ कर रहा ले भाई देखिए भाई भाई चाय पियो चाय पियो ये देखो चाय पीने के बाद तुरंत काम पे लग गए हैं बिकी भाई पानी डालने के बाद खेत को जैसे ये है इसको प्लेन किया जाता है सब जगह पानी जाना चाहिए बराबर मात्रा हाँ ये बराबर करना पड़ता है इसको तो पूरा खेत बराबर हो जाएगा फिर रोपाई रहेगी बिकिल तो पता लोग मैं धसूण हूँ लिहाया तो दगड़ियों इस खेत की रोपाई हो गई है पूरी और बिकी भाई भी आ चुके हैं वापस अब चलते हैं मैल चोरी की ओर जिस काम के लिए हम आए हुए थे चलो आपको रोपाई भी दिखा दी है मैंने देखो बोला तो ये देखो दगड़ियों रोपाई के दौरान ना पैंप अभी मारना में पैंट देखो रोपाई के दौरान नहर में इस तरीके की मछलियाँ भी आ जाती है कौच ठीक ठीक बड़ बड़ मौच है पीछे एकदम मौच है चलो कुंडेल का नहीं था भाजन ये रहा मछली ये रहा मछली चल रहे पैंट डाल दे खाली तरसाओ ना उसको
तो ऐसे इस नहर में इस तरीके से मछलियाँ भी आ जाती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ अभी स्टार्ट हो ही रहा है, ये निकाले हुए उन्होंने जो धान उगा रखी थी। इसमें पूछ में नमस्ते भव्यो नमस्ते लगो बस सब बड़ी लगे रे जाहु एमन नमनो यस में ठीठा कर पैर में खुद पे लगा ना खुद पे लगा लेने परसी ना नंबर में दिया तू वापस कर दे नमस्ते अच्छा तो मैं भी लगा हेलो हेलो ये दूरा पामा नहीं आई हूँ। तो देख रहे हो रोपाई में विकी भाई ने अपना जबरदस्त योगदान दिया आज। बाकी मैं तो वीडियो बना रहा था, तो चलिए अब चलते हैं जरा महल चोरी की और सामान वगैरह लाते हैं कुछ। बाकी सुबह दीपू था साथ में, लेकिन अभी वो चला गया है मैच खेलने, वो और साथ में एक और भाई है। तो चलिए हम महल चोरी जाते हैं, फिर वहाँ से वापस आते हैं। मौसम तो क्या ही बोले, ज़बरदस्त हो रखा है, बस बारिश नहीं हो रही है, बाकी सब मस्त है एकदम। दगड़ियों पहुँच गए हैं हम महल चोरी, और मौसम तो आज इतना वाह बढ़िया, बिल्कुल एकदम टनाटन। लेकिन इस पुल की हालत कब सुधरेगी भगवान ही जाने। हिचकोले खाती हैं यहाँ पे गाड़ियाँ, देखो इतनी बुरी स्थिति है यहाँ पे रोड की। चलो फटाफट काम निपटाते हैं। पुष्करदा की दुकान के यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी है हमने, अब थोड़ा काम कुम करते हैं थोड़ा सा, है ना। फटाफट सामान वगैरह लेते हैं, कुछ भोजन वगैरह भी करेंगे और फिर चलेंगे वापस घर की ओर। मोनू पिस्ट मिल गए हैं हमें, अबल के डाल दे, और साथ में ये दो बालक, ये बीमार हो रखा था, इसको इंजेक्शन लगवाने आए हैं यहाँ लगे। ओ वेरी गुड वेरी गुड, चलो चलते हैं। तो दौड़े हो चलते हैं फिर अब घर की ओर। इन देखो क्या बोल रहे ड्राइवर डॉक्टर, और खट्टा मीठा नहीं खाना है, आम 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 सबसे बड़ी समस्या है। अच्छा, ये तो खट्टा मीठा है आजकल। ये लोग जो दिल्ली में आए बोला पेटी, आम रही बोला, बस बेटा हर चीज 10 किलो थोड़ा सी ज्यादा सी पापा दिया हो, वो यहाँ बोलता मिल जाए बोल दिली। अरे कुल आप आम खान जाओ जाओ पेटी आम खा के सलाइन हुए। जिस दिन बिकी भाई आए थे ना, सामान नहीं भेजा था इसके पापा ने, इसके पापा बिरयानी ब्लूज वाले मालिक हैं देखो, और इसने खाया जगह नहीं हो साहब, इसने खाया दबा के आम, हो गया इसको चिकन पॉक्स। हाँ इतने मुंह में इतने बड़े बड़े दाने आ रखे हैं। चलो हम भी चलते हैं, भी एक एक फ्री में दिया है। तो दगड़े हो मालकोट के समीप पहुँचने वाले हैं हम, और यहीं नीचे सुबह हम रोपाई में सम्मिलित होने गए थे, और वहाँ अभी भी चली रही है रोपाई। ये देखो लोग अब बरसाती लेके जा रहे हैं खेतों की ओर, और ये नीचे यहाँ लग रही है रोपाई, रोपणियाँ यहाँ यहाँ इस वाले खेत में थे हम सुबह, इस खेत में तो सुबह ये निकाल लिया था हमने। अब इस साइड को जो बचे हुए खेत है इस साइड चल रहे हैं, देखो अरे बैल आ गए भाई बैल, वो देखो आप तो दगड़े हो मालकोट पहुंच गए हैं। लेकिन ये दो प्राणी बोल रहे हैं कि हमने कभी ज़िंदगी में रुपाई नहीं देखी, तो इनको रुपाई दिखाने के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं हम। देख रहे देख रुपाई देख कन के खड़े हो जब तुम आगे जाओ, आगे जाओ पूरा चलो, चलो सीधा से चला आगे बिल्कुल साइड साइड चला है, जाओ सवा सौ जाओ, बल हमारे रोपड़े बल हमारे रोपड़े देखे कभी ना हम रोपड़े देख हमला ना ना ही बीमार हुए दिखा दी अस्पताल ले रहे निपटेल ना 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 हम खा गए तुम खा खूब दिखा ले पार से रोपने और लगने। और दगड़ियों दोबारा आ गए हैं हम खेतों की ओर, ऊपर से बल ज़्यादा फील आ नहीं रहा था। मोनू भी बोल रहे थे कि हमें बिल्कुल थोड़ा फील के साथ कुछ तस्वीरें जो है सुसज्जित करनी है, तस्वीरें खिंचवानी है। तो पहुँच गए हैं हम
दोबारा खेत में। अरे भाई जी राम राम, राम राम। ये देखो ये मीन लगवाने आ रखे हैं, ये दबा दबा ताकि पानी बाहर ना जाए इससे। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। पाई 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 देखो, मैं बिकी बिकी भाई डिमांड थी ना भले काम जी क्या करिए मनी जाते तुम बोलते हैं समझा लेगी। ये देखो इतने बड़े तरीके से आ, ये क्या मीन लगा रहे भले उना ओके रहने वाला पार रोपने लगा तो पार। ये देखो तुम पटकोट शरीर की देख रही है, ये शरीर के बब्बा तू अकेला रहा कि मैं नाक ले उठ के यार को हाथ पे बीच दाद गया ना छोड़े हम लोग भाई खुल गया। क्या सर ये खले लो तो दगड़ियों मालकोट पहुंच गए हैं और यहाँ देखो कितने बालक मिल गए हैं। और ये हमारे साथ जा रहे हैं और ये मिल गया है। पति मैच खेल रहा पति मैच खेल मैच हैरी जी जी जानी हारे क्यों क्रिस क्यों क्रिस ओ क्रिस क्रिस तैयार निखिल तैयार कैसे देखो हाँ वेरी गुड हमारे ताऊ जाने वाले फिर रोड़ा काम अब अपर सात बात अपर सात बात तेरा विदाई नमाखो से विदाई इनकी नम हैं गाड़ है ना दगड़े हो दगड़े देखो गाड़ आ गई है तो इन मशीन को बार बार जाने में दिक्कत है तो हाथ से काम पे विराम दे रहे हैं। अब बरसा बरखबार बरखबार खराब है तेरा वो देश की बिजनेस जो क्या किया बने शायद कुछ दिन में ट्रेन में बोले बोले बन्नी जी बोले सो रिकॉर्ड होने सुने ओ ये है की बात उस मशीन है नदी उफान में आ रही है देखो तो ये नुकसान। अगर पुल की स्वीकृति हो जाती ना तो आज तक हमारे यहाँ रोड चलेगी और इस तरीके से इनको बाहर नहीं आना पड़ता क्योंकि अब पार पार जाने में समस्या है। अगर पुल बन जाता है यहाँ पे तो रोड बन जाती मेन पुल आ गया था ठेकेदार साहब भी क्या करे परेशान हो गए नदी बढ़ गई है इनको जो आर्थिक नुकसान हो गया है वो हम ही जानते हैं लेकिन उसके बाद भी इन्होंने जो है आखिरी सांस तक जो है काम करते लगे हुए हैं। क्या करें आखिरी सांस मेन पूल पे भाई पूल पूल पास है ही। तो दगड़ियों बारिश भी घनघोर प्रारंभ हो गई है हम भी घर की ओर चल दिए हैं। जो कुछ सामान हमारे साथ आ रखा था वो सामान लड़के लेके चले गए हैं। दीपू हो गया मन्नू हो गया उसके बाद मोहित हो गया बहुत सारे बालक आ रखे हैं मोहित रोहित बहुत कुछ आ रखे हैं। वो तो बिल्कुल ऊपर पहुंच गए हैं पीछे सिर्फ मैं लक्ष्मण और गुरौल भाई विकी भाई रह गए हैं। अब बारिश भी देखो आप भयंकर वाले प्रारंभ हो गए चलिए फटाफट चलते हैं और बालक देखो वहाँ पहुंच गए हैं ऊपर बहुत ही फास्ट सेवा हो रही है बच्चों की। दगड़ियों विकी भाई के घर के समीप पहुँच गए हैं हम और हल्की सी बारिश कम हुई है लेकिन हम पूरा भीग चुके हैं। आराम से आराम से अब वीडियो में फिर रहना जीतू आ बिहारा बिहारा ए बाबा ए तेरा तू परेशान कर करने गया मैं ये बाबा छवा जान लीजिए हाँ खुश रहो खुश रहो भेज दे हाथ उठ खुश रहो पाँव के हर दिन क्या हर के भीग
क्या सु नितिन है? हेलो गाइस, हेलो गाइस, हाउ आर यू? नमस्ते कर दो, नमस्ते कर दो सबको। वेलकम टू माय ब्लॉग। सबको नमस्ते करो, उधर यहाँ से नमस्ते कर। इंग्लिश अलग है लेकिन प्रणाम करना बेटा। वो हुई हुई भी अरे भीजन के बरकत सुबह भी थरा लूँ, खाली बीमार हूँ आजकल। तो दगड़ियों, जैसे ही बिकी भाई के घर में पहुँचे हम, झमाझम बरसात शुरू हो गई है। और यहाँ आने का सिर्फ एकमात्र कारण ये था कि हम यहाँ आए हैं एक कड़ी पत्ता लेने। ये देखो बढ़िया सा कड़ी पत्ता है। अब बारिश इतनी भयंकर हो रही है क्योंकि ये बारिश रुकने वाली भी नहीं है, 5:30 ही हो गए हैं हमें। तो ऐसा करते हैं, सामान तो लक्ष्मण ही लेके आ रहा था बैग में, तो एक छाता है मेरे पास, छाते में वो चला जाएगा और मैं भीगते हुए इंजॉय करते हुए घर जाऊंगा। चलो बिकी भाई, ओके बाय बाय, एक कड़ी पत्ता पकड़े। चल ठीक है, बाय बाय। ए वो बैठा है, हम जाए भीजन जरा आराम से। अब यू कड़ी पत्ता। ओ तो दगड़ियों, बारिश देख रहे हो आप कितनी झमाझम हो रही है। तो चलिए अब चलते हैं आराम आराम से घर की ओर। धो नहीं गिरना चाहिए, बाकी सब कुछ ठीक है। जय हो माँ भगवती। दगड़ियों पहुँच गए हैं गांव की दहलीज में और साथ में ये कड़ी पत्ता की टहनी, ताकि लक्ष्मण सिंह पीछे से छाते की छाँव में आ रहा है और मैं इस टोपी की छाँव में। तो चलिए अब तो नहा ही गए हैं ढंग से, जब तक बारिश हो रही है तब तक बारिश का मजा लेंगे, उसके बाद फिर स्नान करेंगे, कपड़े चेंज करेंगे। पत्ता लाए आपके लिए, कड़ी का पत्ता। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दगड़ियों शाम के 7:30 बज रहे हैं और घर पहुंचने के बाद करीबन 1-1.5 घंटा मैं बारिश में नहाया, उसके बाद अब कपड़े चेंज करके रात्रि भोजन का समय है। बाकी बारिश आप देख सकते हो अभी भी चल रही है, लगातार रिमझिम बारिश चल रही है। मेरे पीछे आप ये क्या बोलते हैं, मकई के जो पौधे हैं उनको हिलते हुए देख रहे हो। तो भयंकर वाली हवा चल रही है, ठंड लग रही है और करीबन 1-1.5 बजे से बारिश शुरू हुई है और अभी तक लगातार चल रही है। सुबह हो रही थी बारिश, 7-8 बजे बारिश बंद हुई, उसके बाद फिर 1 बजे के बाद दोबारा कंटिन्यू हो गई है। तो फिलहाल ऐसे ही कुछ मौसम है। चलिए आज के ब्लॉग को इसी के साथ करते हैं समाप्त। रुपाई का ब्लॉग देखा आपने, उम्मीद करता हूँ कि ब्लॉग देखिए आपको अच्छा लगा होगा।